मैं प्रिया आपके साथ मराठा आरक्षण से जुड़ी क्यूरेटिव पिटिशन पर आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इसके पहले चार जजों की बेंच को 6 दिसंबर 2023 को क्यूरेटिव पिटिशन पर चेंबर में विचार करना था याचिका की कॉपी भी सर्कुलेट कर दी गई थी इसके बाद 23 दिसंबर 2023 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड जस्टिस संजय किशन कोल जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने इस मामले में 24 जनवरी को विचार करने का फैसला किया था जस्टिस संजय किशन कोल 25 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं ऐसे में मुमकिन है कि सीजेआई उनकी जगह किसी अन्य जज को पीठ में शामिल करे तेवीस जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण मामले की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने क्यूरेटिव पिटिशन दायर की थी इधर 23 जनवरी से महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का सर्वे थाने से शुरू हो गया है राज्य के करीब 4,250 कर्मचारियों को सर्वे का काम सौंपा गया है राज्य पिछड़ा आयोग 23 से 31 जनवरी तक सर्वे का काम पूरा करेगी सीएम शिंदे ने 20 जनवरी को कहा था सर्वे से पता चलेगा कि मराठा कम्युनिटी के लोग सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हैं इधर मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल की पदयात्रा आज पुणे के रंजन गांव से मुंबई की ओर बढ़ गई है आज पदयात्रा का चौथा दिन है जरांगे ने कहा कि हम अपनी मांग पर अड़े हुए धन्यवाद